Hi, good morning guys, with this beautiful view of Jibbi Valley. मैं जा रही हूँ आज एक ट्रेल पे. सो वो ट्रेल यहाँ पे बहुत फेमस है जो जलोरी पास से निकलती है. जलोरी पास से तो बहुत सारी ट्रेल्स निकलती है, उनमें से एक ये ट्रेल है. सो आप गेस कर सकते हो तो बता सकते हो कौन सी ट्रेल है अगर आपको जलोरी पास के बारे में बताओ, नहीं तो आई टेल यू जब मैं ट्रेल स्टार्ट करूँगी. सो अभी बज रहे हैं सुबह के, मतलब 11 ही बजने वाले हैं, तो जलोरी पास पहुँचते हैं शायद 11:30 हो जाएंगे. एंड देन आई स्टार्ट विद द ट्रेल. मैं स्टे कर रही हूँ दौर मोंग के साथ एंड लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग, क्योंकि मैंने एक दिन का ब्रेक लिया था. तब भी मेरा ये सो फाइनली रीचिंग जलोरी पास गाइस. मतलब ये इतने सारे माउंटेन पीक्स के नाम है जो कि आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हो. एंड यहाँ पहुँचने में आपको लगेगा अराउंड 40 मिनट्स. 40 मिनट्स, हाँ 40 मिनट्स. सो बस यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है. ट्रेल 2.5 घंटे की है, कुछ 5 किलोमीटर की, और ऐसे ही है सिंपल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे. सो हम जा रहे हैं सलोसर लेक की तरफ. सलोसर लेक यहाँ पे बहुत मानी जाती है और पूजी जाती लेक है हिमाचल प्रदेश में. हालांकि वो बहुत नॉर्मल लेक है किसी इंसान के लिए, बट यहाँ उस लेक का पानी पिया जाता है एज अ स्पिरिचुअलिटी. उसको घर पे रखा जाता है और बहुत कुछ. अगर कभी हिमाचल आओ तो आप पूछना सलोसर लेक के बारे में. तो ये स्टार्ट होता है एक्चुअली जलोरी पास से प्रॉपर. सो गाइस हमने इसमें से बर्फ अंदर से निकाल के फिल करी साफ वाली, जस्ट बिकॉज यू नो दिस इज वेरी प्योर, क्योंकि इतने टाइम से रखी हुई थी एंड ऑब्वियसली नेचर. तो तुम यहाँ से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे? यस. अबे रहने दे, पीछे लुढ़केगी. नहीं लुढ़कूंगा मैं तो चढ़ जाऊंगा. मेरे शूज हैं ट्रैक वाले, तुमने नहीं पहने हुए ट्रैकिंग शूज. यू आर नॉट वेयरिंग ट्रैकिंग शूज. अच्छा ये कांटे हैं. यस. हां चढ़ते हैं. रहते हो? नहीं दूर से आनी से. आनी कहाँ? जिब्बी में. जिब्बी ये आई साइड है, दूसरी साइड. ये पीछे तो ग्लेज है. कितनी दूर से आते हो? सारे सारे. किस लिए यहाँ पे इतनी दूर? तो आप किस लिए जा रहे हो? जगह घूमने. हम भी घूमने आए हैं. और क्या? सही है. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से. अच्छा, तो अच्छा लगता है यहाँ रहना. फोन नेटवर्क आते हैं? कम आता नहीं चलता. हम चले बाहर में गुनगुनाती राहों में धड़कने फिरते. सो गाइस हमें अभी चलते हुए 1 घंटा 40 मिनट हो चुके हैं. अभी भी 1/2 घंटे का रास्ता हमारा बचा है. कहते 2.5 घंटे का रास्ता है और आई गेस 1 किलोमीटर के आसपास अभी भी बचा है. तो रास्ता ऊपर नीचे और काफ़ी लोग इसको करते हैं यार, इस ट्रेल को, पर ये ट्रैक बोला जाता है. सो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ट्रेल है या ट्रैक है. अगर कोई आया तो यहाँ पे मुझे ये भी बताओ कि प्लीज़ कमेंट करके कि मैं आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ. सो गाइस अभी 10 मिनट का ट्रैक और बचा है और हमें अराउंड वही ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ हमें, 1 सेकेंड नहीं, पूरे 2 घंटे हो चुके हैं. इसका मतलब 2 घंटे 10-15 मिनट लगते ही लगते हैं. और हम बैठे हैं ठाकुर ढाबा पे, बहुत भूख लगी थी हम लोगों को.
डेढ़ घंटा नहीं हुआ, 12 बजे ट्रैक। तो घोड़े आते हैं ऊपर तक, कितना चार्जेस ले लेता है घोड़ा एक राउंड के? एक राउंड के लेता है 1000 रुपए। 1000 रुपए में मतलब कितना सामान आ जाता है? एक क्वांटल। तो कितना मतलब आपको कितने टाइम बाद जरूरत पड़ती है सामान की? खत्म हो गया 2 दिन में, तीसरे दिन भी। हाँ, 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। लोग आते हैं काफी? अभी लोग आ रहे हैं? अभी तो कम आ रहे हैं। अच्छा, गर्मी में आना स्टार्ट होंगे। ओके, फाइनली गाइस सरोसा लेक मेरे पीछे है एंड इट टुक लाइक 2 घंटा 10 मिनट। और जितना हमने 2-3 बार ब्रेक लिया सो 2.5 घंटा तो नहीं लगा, जाते तक बाकी पता चलेगा 5 किलोमीटर का। बिकॉज यू नो इट्स 3 डेज का पहला दिन एंड फ्रस्ट्रेशन तो होती है और आज होना ही था। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं एंड इट्स ब्यूटीफुल यार। सो गाइस यहाँ पे पहुँचने के बाद आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पता है सोलर पैनल्स हैं हर जगह पे, और पता है ये जो है ना ये मतलब इट्स नॉट, इट इज़ अ इन्फॉर्मेशन फॉर द टूरिस्ट जनरल पब्लिक विजिटिंग टूरिस्ट स्पॉट जलोरी पास सलोसा लेक एंड रघुपुर घाट टू काइंडली मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीनिक। अच्छा ओके, ये देव स्थल है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसको रिलीजियस माना जाता है एंड दिस इज़ होली वाटर विच इज़ एक्चुअली बी कंसर्न एज अ होली वाटर। एंड उसकी पूजा की जाती है, इस पानी के पिया जाता है। और यहाँ पे येरा मंदिर पीछे की तरफ आगे की तरफ, दिस इज द मंदिर एंड इसको भी मतलब दिस प्लेस इज एक्चुअली कंसर्न एज अ होली प्लेस एंड वाटर आल्सो। तो ये लोग ले जाके पानी पीते हैं। पता नहीं कितनी कह रही है वैसे यहाँ पे, जो यहाँ पे 2-3 डेथ भी हो चुकी है। अच्छा, कैसे? पहले नहाते थे इसमें तो इनको तो पिया भी जाता ना इस पानी को। हाँ, ये होली वाटर मतलब आपका वो वाटर मान जाता ना, शुद्ध पानी। हाँ, तो आप पूजा भी तो करते हो? किस मौसम में पूजा होती है, किस उसमें, फरवरी या फिर अभी अप्रैल में? 1 अप्रैल से बैठेंगे ना, 1 अप्रैल से। मतलब जो नाग देवता देवी देवता वगैरह आते हैं वो स्नान इसी में करते हैं सब। अच्छा, वो जो आपके वो जो देवी देवता आते हैं। अच्छा, मई जून में देवी देवता आएंगे। ओके, सो गाइस अगर आप अपने टेंट लेके आ रहे हो तो उसके पार लगा सकते हो। और इसके पूरे पीछे ढाबा ऐसा नॉल है, वैसे तो आगे भी है ढाबा। और ये मंदिर का नाम क्या है? ये सर माता बूढ़ी नागिन का मंदिर है। अच्छा, माता बूढ़ी नागिन का मंदिर। तो अगर नहाना चाहो तो जूते मतलब उतार के जा सकते हो आगे तक। एंड पानी का डब्बा भी रखा हुआ है उस तरफ, बाल्टी, तो वो भी लेके नहा सकते हो। बिकॉज मैंने आपको बता दिया कि दिस इज कंसर्न एज अ होली वाटर। सो बीइंग ऑन फिनिश्ड फर्स्ट डे मैं तो जा नहीं सकती, बट राकेश इज गोइंग टू फिल द वाटर, है ना? यस, दिस इज होली वाटर, इट्स यूज फॉर ड्रिंक ऑल्सो। Sure? Yeah. Yes, because they take it for the home and pujas and all purposes. But I was reading about this. No, actually we had a talk. Okay. Already been to Jalorja. So Rakesh gaya hai pani bharne ke liye. Piche se awaaz is aane start ho gayi, pani mein mat jao. Yes, are you going to drink this water? Obviously. Even me too. I'm also going to drink this water. So main isliye nahi gayi, because you people know. Main down hu. I can't go even mandir. Thanda. So guys, ऊपर आना worth करता है according to me. But आपको क्या लगता है ऊपर आना worth करता है वो 5 किलोमीटर का ट्रैक? नहीं, ये और ट्रैक भी बहुत भारी। अच्छा,
वो ट्रक भारी था मगर ऊपर आना वर्थ करता है। यस हां वापस जाते वक्त और ज्यादा होएगा, वापस जाते वक्त और ज्यादा होएगा। अरे मस्त मजा आएगा अभी तो मस्त खाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा नीचे जाएंगे फिर वापस ऊपर चढ़ने करेगा जितना नीचे है क्योंकि ये ट्रैक ऐसे है ये पर नहीं मन में इच्छा रही तो सब हां अरे हां गया पहाड़ी स्क्वायरल यार अब 20 से 25 मिनट का रास्ता बचा और जो कि वो हो जाएगा पार। वी आर प्रीटी एग्जॉस्टेड, हमने कुछ खाया था तो थोड़े से मोमोस और स्लाइस। मुझे छू के तूने कहा। फाइनली 1 घंटा 40 मिनट में नीचे पहुंचते हुए जिसमें हमने 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक भी लिया था और गाड़ी ऑलमोस्ट वहाँ पार्क्ड है। गाड़ी ऊपर आती है बट एट योर ओन रिस्क क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा है, गाड़ी टपट टपट ज़्यादा करेगी चलेगी कम। सो इसके बाद हम पियेंगे हॉट कॉफ़ी और चॉकलेट कॉफ़ी और नीचे जाएंगे सीधा अपने स्टे की तरफ दौड़ मोंग के साथ। एंड आई गेस आप लोगों को मेरा स्टे कैसा लगा, मतलब अच्छा लगा होगा ऑब्वियसली बट कैसा लगा कमेंट करके बताओ ना। ये जलोरी पास रोड गिरी शिमला जाते हुए। सो गाइस भूख लगी है मैगी अभी यहाँ पे ठंड लग रही है, ठंड लग रही है गाइस। भैया आपको पीक्स का नाम पता है कि कौन कौन से है सामने आपके, कौन सा है सामने, कौन सा ये पीक है जो ऊपर वाला टॉप पे है? हाँ जो ऊपर है मंदिर है वहाँ पे मंदिर है वो भी ट्रैक है। अच्छा ये सारे पीक्स है ना जिनके नाम है ना बताना है भैया भी फ्री होके। So it's time to say bye bye to this Jalori Pass और मैं लास्ट वीडियो शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पीक्स के नाम पता चले जो मैंने फर्स्ट टाइम Jalori Pass आई थी जनवरी में ट्रैक करके। सो दिस इज काली माता का मंदिर दैट इज Jalori माता एंड यहाँ लोग बहुत आते हैं। मंदिर जलोरी Jalori Pass एक्चुअली ये जलोड़ी होता है जलोड़ी जोत सी जलोड़ी जोत जलोड़ी हम जलोड़ी कहते हैं इनको। अच्छा इट्स जलोड़ी जलोड़ी या जैसे क्या कहते हैं कई सारे जगह पे आर में ड यूज होता है ना आर वैसे यहाँ पे जैसे स्पेलिंग जे ए एल ओ आर आई है बट इट्स कॉल्ड एज जलोड़ी Jalori Pass got it aur ye Jalori Jot thi। So you know it's time to say bye bye to this place and we are going back to camps and I'm pretty tired and I'm exhausted। Kaisa raha aisa tumhara, how was it? Theek hai nahi truly matlab ye ladka track nahi karta na trails karta hai। So how was the experience mein second time tumhe track pe utha liye? इसको कोई प्लीज उठा लो ठीक है इनको कोई उठा लो मैं 70 kg की हो गई हूँ है ना कैसे वाला उठा लो बाय द वे मैं तुमसे एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ तुम कह रहे हो मुझे उठा लो। हाँ तो फिर मतलब वही है ना कि भी एक्सपीरियंस अच्छा है बट हैबिचुअल नहीं है, खराब हो जाती है हैबिचुअल नहीं है। काफी टाइम पहले छूट गई कई सालों पहले तो अच्छा ठीक है अब जैसा है अच्छा है। जब मैं भाग जाती हूँ तो मैं छोड़ के ही कह रहे हो तुम ट्रैक्स में खैर वो चीज मैं करता हूँ वो चीज मैं करता हूँ। लिटरली मैं छोड़ के भाग जाते हैं मैं तो आराम आराम से चलती हूँ मैं बहुत स्लो चलती हूँ लाइक मुझे पता होता है कि मुझे ट्रैक करना है तो आराम से करूँगी मैं बहुत। यार मैं इस टाइम पता है इस जनवरी में अगर आप आओगे ना तो ये आपको पूरा बर्फ मिलता है तो यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं आ सकती इवन थार नहीं आ पाती उस टाइम पे क्योंकि 4 से 5 फुटा से भी ऊपर बर्फ होती है। एंड यू वोंट बिलीव कि अगर आपको यहाँ आना है तो व्हाट यू कैन एक्चुअली डू आप गाड़ी नीचे पार्क कर सकते हो
चार किलोमीटर नीचे जलोड़ी पास से, 4 से 5 किलोमीटर नीचे, एंड आप पैदल आ सकते हो इस व्यू को लेने के लिए जनवरी में। कभी कभी बर्फ इतना होता है कि नीचे आती है तो आप थोड़ी सी और नीचे बैठ सकते हो। नहीं ये तो कुछ भी नहीं। सो गाइस जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो कर दो, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर पे देर इज अ गिव अवे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू टुमारो विद नेक्स्ट प्लेस।